खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पुलिस से बचकर पंजाब के कोने कोने में भागता फिर रहा है। कभी कार तो कभी बाइक के सहारे भाग रहे अमृतपाल सिंह का अब एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में अमृतपाल सिंह ठेले पर बैठकर भागते हुए नजर आ रहा है। बुधवार को अमृतपाल सिंह का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इस वीडियो में अमृतपाल सिंह ठेले पर अपनी बाइक के साथ बैठकर भागता हुआ दिख रहा है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर उस वक्त की है जब अमृतपाल की बाइक का फ्यूल खत्म हो गया था और अमृतपाल अपनी बाइक को ठेले पर रख पुलिस से बचने के लिए भाग रहा था। आपको बता दें कि 18 मार्च को अमृतपाल सिंह की पहली सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी, जिसमें वो मारुति ब्रेजा कार की पहली सीट पर बैठकर भागता हुआ दिखाई दिया था। इसी दिन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ ऑपरेशन की शुरुआत की थी। इसके बाद पुलिस से फरार चल रहे अमृतपाल की तस्वीर जालंधर के गांव नंगल आंबिया से आई थी, जहां अमृतपाल अपनी ब्रेजा कार को छोड़ मोटरसाइकिल पर फरार हुआ था। मोटरसाइकिल बुधवार शाहकोट से तकरीबन 42 किलोमीटर दूर फिलौर नूर महल रोड पर नहर के किनारे मिली है। इसके बाद ठेले पर अमृतपाल की तस्वीर सामने आई है। इस बीच पुलिस से बचकर भागने के लिए अमृतपाल ने अपना हुलिया भी बदल लिया है। मंगलवार को अमृतपाल की आई नई तस्वीर में साफ दिख रहा है कि उसने अपना हुलिया पूरी तरह बदल लिया है। उसने दाढ़ी कटवा ली है, पारंपरिक सिख बाना उतार दिया है और पिंक रंग की पगड़ी में है। बताया जा रहा है कि ब्रेजा कार छोड़ने से पहले वो नंगल आंबिया गांव के गुरुद्वारे में रुका था, जहां उसने गुरुद्वारे के ग्रंथी रंजीत सिंह और उनके परिवार को एक घंटे के लिए बंदी बनाया और यही अमृतपाल ने अपना हुलिया भी बदला था। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह पिछले 120 घंटे से फरार है। पुलिस उसको पकड़ने के तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन अब भी पुलिस को सफलता नहीं मिली है। पुलिस से बचने के लिए अमृतपाल कई तरह के हथकंडे अपना रहा है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।